सब्सक्राइब कीजिए एस टेक्निकल चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू एस टेक्निकल, मेरा नाम है सुमित। तो मैं आज आपके सामने बातें करने वाला हूँ मेरा जो नया माइक है रोड का वीडियो माइक गो, तो उसके बारे में, उसका टेस्ट वगैरह होगा। और ये रिकॉर्डिंग हो रहा है मेरा नया माइक वीडियो माइक गोस है, तो आप साइड पे देख सकते हो ये पिक्चर दिया गया है, तो ये पिक्चर ही जैसा दिखता है। और चलिए कुछ फुटेज है और कुछ ऑडियो टेस्टिंग है, तो चलिए देख लेते हैं। और बोया माइक का भी ऑडियो टेस्टिंग दिया जाएगा, जो कि मैं पहला जो रिकॉर्डिंग करता था। और मेरा इस घर में यानी मेरे रूम पे एक पंखा चल रहा है, उसका भी साउंड नॉइज़ वगैरह आता रहेगा, तो उससे ओवरऑल टेस्टिंग क्या जो एक्सपीरियंस होगा आप उसे एंजॉय करो और देखो कैसा है। आप अगर खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो बोया माइक जो बॉक्स पे अंदर है, बॉक्स के अंदर। तो यहाँ जो रिकॉर्डिंग हो रहा है ऑडियो रिकॉर्ड, वो हो रहा है मेरा पुराना बोया माइक से। और ये जो माइक देख रहे हो आप रोड का माइक, ये साइड बाय साइड बॉक्स से बाहर लेके मैंने रखा है टेबल पे। तो ये आप देख सकते हो कैसे दिख रहा है ये शॉटगन वाला माइक। तो ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये बोया माइक से मेरे कंप्यूटर पे रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसका रिकॉर्डिंग आप बहुत ही क्लियर आवाज़ के साथ सुन पा रहे हो। और जो रोड का माइक था जिसका रिकॉर्डिंग आपको पहले ही इंट्रो में या फिर इंट्रो से पहले ही दिया गया था, तो आप सैंपल को अंदाज लगा सकते हो कि कैसा रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो ये जो रोड का माइक है यहाँ पर आपको दिख रहा है टेबल पे रखा गया है बॉक्स से पूरी तरह से बाहर निकल के। और पीछे जो है 3.5 mm जैक जो कैमरे के साथ अटैचमेंट करने के लिए दिया गया है उसको अटैच करके, और जो ऊपर स्पॉन्ज दिया गया है वो स्पॉन्ज भी लगा के, जिसपे रोड का RODE का लोगो है वो आपको दिख रहा है और काफ़ी ब्लर होते हुए नज़र आ रहा है। और उस पे रखा है मेरे बॉक्स पे सामने रखा है कुछ गाइड बुक का गाइड पेपर, जिसमें कई सारा लैंग्वेज में लिखा गया है कैसे आपको यूज़ करना है। और सामने रखा है उसके सामने एक पैकेट में सिलिकॉन जेल जो कि मॉइस्चर प्रूफ रखता है। आप अगर कोई बॉक्स के अंदर इसे रखते हो कोई गैजेट के साथ, उस गैजेट को पूरी तरह से मॉइस्चर प्रूफ रखता है सिलिकॉन जेल, इसे खाना नहीं है, दिखने में तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर देख सकते हो बोया माइक का फुटेज। तो ये माइक बहुत ही हल्का है और लाइट वेट, जैसे कि हल्का होने के वजह से ये माइक इजीली कैमरे पर अटैच होता है, कोई भी दिक्कत नहीं होता कैमरे के ऊपर ये अटैच करने के लिए। और ये साइड बाय साइड इस तरह से दिखाया जाता है। ये माइक करीब 6 inch से स्लाइड 7 inch का टैबलेट जैसा लंबा है। और ये इसके ऊपर जो स्पॉन्ज दिया गया है उसको हटाने के बाद माइक को आप अगर देखोगे तो कुछ ऐसे लगेगा। इसे मैंने स्पॉन्ज को हटा के माइक को सामने रखा है, पीछे से दिख रहा है माइक। तो यहाँ पर जो पोर्ट है पीछे में, जो पोर्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर 3.5 mm जैक का जो जैक दिया गया है साइड में ही रखा है, उसका पोर्ट दिया गया है। वीडियो माइक देख रहा है और वहाँ पर लोगो है वीडियो माइक गो। और ऊपर है अटैचमेंट जो कि DSLR कैमरे के साथ अटैच होने के लिए दिया गया है, और उसके उन दोनों के बीच में दिया गया है शॉक एब्जॉर्बर। और ये है रोड का स्पॉन्ज जो कि माइक को कवर करता है, कोई भी आवाज़ जो डस्ट या फिर कोई भी साउंड आता है जो हवा से
उसको प्रूव करने के लिए ये रिस्पॉन्स दिया जाता है। और यहाँ पर जो पोर्ट दिया गया है, पोर्ट के अंदर और स्पॉन्ज को अटैच करने के बाद आपको कैसे दिखेगा, और पोर्ट को अगर आप 3.5 mm जैक से कनेक्ट करते हो तो कैसा दिखेगा, तो बाद में वो दिखा दूंगा। अभी तो इस फ्रंट साइड को देखो, जो स्पॉन्ज को और पोर्ट को हटाया गया है, पोर्ट नहीं, वो कॉर्ड को हटाया गया है। सामने एक लंबा सा माइक दिख रहा है जो कि रोड का ही है, उसे वो कवर जो है स्पॉन्ज का उसे निकल दिया है। और आप यहाँ पर देख रहे हो कुछ ऐसे कि यहाँ पर सामने वाला जो होल है वहाँ पर स्पॉन्ज दिया गया है, और पीछे वाला लंबा सा एक रॉड प्लास्टिक का बना हुआ है, ये बड़ा ही हल्का है। और नीचे जो माइक जिसमें होल्ड किया गया है वो है एक शॉक एब्जॉर्बर, जो कि कोई भी हिलडुल जाने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, ये एडजस्ट कर लेता है और कोई भी प्रेशर नहीं डालता कैमरा या फिर इसके ऊपर, ये माइक के ऊपर। और ये आप देख रहे हो जो बार बार फोकस करते हुआ दिखा रहा है, तो नीचे दिया गया है जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, DSLR पे अटैच करना हो तो इस तरीके से करना पड़ेगा। पर आपको ये जो पोर्ट मैंने सामने लाया हूँ, इस पोर्ट नहीं, क्वाड को पोर्ट में कनेक्ट करते हुए DSLR पे लगाना पड़ेगा, अगर आपका DSLR माइक सपोर्ट करता है तो। तो मेरा जो DSLR है 800D, उसमें माइक सपोर्टेड है, इसके लिए मैंने इस ऑडियो माइक को ख़रीदा रिकॉर्डिंग के पर्पस, तो ये ठीक से रिकॉर्ड हो रहा है और मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला है। और यहाँ पर जो प्लास्टिक है शॉक एब्जॉर्बर के ऊपर, उस पर भी रोड का लोगो दिया गया है जो प्रिंटेड है, प्रिंटेड लोगो के साथ ये और भी अच्छा लगता है, क्योंकि रोड बहुत ही अच्छा माइक का कंपनी है। और इसके साथ जो बॉक्स आता है बहुत ही अच्छा देता है, और इसको सिर्फ मॉइस्चर प्रूफ रखने के लिए एक सिलिकॉन का पैकेट दिया गया है, वो ज़रूर साथ में रखिए, आगे चल के आपको शायद ज़रूरत हो फिर से। तो मैंने फिर से इस रोड का जो प्लास्टिक का बॉडी था उसके ऊपर ये स्पॉन्ज को अटैच कर दिया है, और ये स्पॉन्ज के साथ ये बहुत ही अच्छा दिखता है और काम भी अच्छा करता है। इसे कुछ ऐसा दिखने को मिलता है कैमरे के ऊपर अटैच करने के बाद। और इसका जो कॉर्ड है पीछे में पोर्ट दिया गया है वहाँ पर इंसर्ट करके, और दूसरा वाला साइड को कैमरे के DSLR कैमरा या फिर पॉइंट शूट जो भी कैमरा हो उसमें इंसर्ट करना पड़ेगा, और एक साइड को। तो ये सामने से ऐसा दिखता है, और दोनों साइड पे जैसे कि दिखाया, पिछले साइड पे भी लोगो है, दूसरा साइड पे भी लोगो है, तो ये ब्रांड को दिखाता है। और ये शॉक एब्जॉर्बर इजीली इसको होल्ड कर पा रहा है, आप समझ सकते हो ये प्लास्टिक का शॉक एब्जॉर्बर जो कि है, मज़बूत तो नहीं कहूँगा पर इसको होल्ड करने के लिए इनफ क्वालिटी इसे मेंटेन करना पड़ा। और जो प्लास्टिक का बोल्ट दिया गया है जो कि आपको कनेक्ट करना पड़ेगा DSLR के ऊपर में, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, प्लास्टिक का क्वालिटी है तो क्या है, बिल्ड क्वालिटी मैं ख़राब नहीं कहूँगा एक माइक के हिसाब से। और इसका प्राइस जो लिया गया था, इस प्राइस रेंज में ये बहुत ही अच्छा है, मैं मुझसे लिया गया था 5,300 रुपीज़, जो अभी बिक रहा है 5,450 में, करीब 5,500 रुपीज़ के अंदर अगर माइक को ख़रीदे तो बहुत ही लाभ होगा। और ये देख रहे हो मैंने पोर्ट में इंसर्ट कर दिया है इस जैक का एक साइड जो कि 3.5 mm जैक है, और दूसरा साइड अभी तक नहीं अटैच किया है कहीं पर, तो ये जल्दी मैं अटैच करूँगा और आपको दिखा दूँगा कि कैमरे पे अटैच कैसे करते हैं और अटैच करने के बाद ये कैसा लगता है। तो ये काफ़ी ईजी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही हल्का पुल्का माइक है, कैमरे के ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। आप अगर चाहते हो इस तरीके का माइक, आप अगर रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो आप बहुत ही कंफर्टेबल रहोगे जब आप रिकॉर्डिंग करोगे, या फिर कोई भी साउंड जो पीछे से बैकग्राउंड से आता है आपके सामने से, जो
आपके कैमरे के पीछे वाला जो बैकग्राउंड वो कभी इसमें से रिकॉर्ड नहीं होगा। तो चलो यहाँ पर मैंने कैमरा सेट कर दिया है और कैमरे के साथ इसे अटैच करने के बाद देखो कैमरे से कैसे कनेक्ट किया गया है इसे और कैमरे के ऊपर माउंट किया गया है कैसे। इस जो गियर को देख रहा हूँ, गियर को घुमाते हुए जो कैमरे के ऊपर पोर्ट है वहाँ पर ये कनेक्ट किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। इंस्टॉल करने के बाद ये रोड माइक इस तरीके से दिखता है, पूरा फिक्स रहता है। कोई भी अगर धक्का लगे या फिर कोई भी चोट पहुँचे तो ये वैसे हिलेगा नहीं, आसानी से शॉक को एब्जॉर्ब कर पाएगा और ये फिक्स तरीके से कैमरे के ऊपर रह जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अगर सामने से रिकॉर्ड करते हो, सामने बैठ के कैमरे के लेंस के सामने, तो इजीली रिकॉर्ड हो पाएगा। मेरा 800D कैनन का जो कैमरा है उस पर ये माउंट है। अभी ये घुमा के दिखा रहा हूँ आपको और इसे थोड़ा शायद मुझे रेक्टिफाई करना पड़ेगा कि इसे सही जगह पे मैं अगर रिकॉर्डिंग करता हूँ तो बहुत ही अच्छा होता है। पीछे जो पोर्ट को कनेक्ट कर दिया गया है इस क्वाड के ज़रिए से और यहाँ पर व्यू फाइंडर के सामने जो कनेक्टेबल केबल है, जो कि माइक का केबल दिया गया था बॉक्स में, उसको मैंने कनेक्ट किया। तो ये देखो, ये जो प्लास्टिक का कवर है कैमरे के पास, जो डिस्प्ले के पास, तो उसको हटा के मैं इसे डिटैच करता हूँ और जो वहाँ पर 3.5 mm जैक दिया गया है वहाँ पर फिर से इंसर्ट कर देता हूँ। बहुत ही आसान है, आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो और आपको दोनों ही डिटेल्स मिल गया होगा। आपको अगर अच्छा लगा, यहाँ पे कुछ फ़ोटो मैंने डाला है आपको एक्सपीरियंस दे सकूँ अच्छे से इसके लिए। तो यहाँ देख रहे हो कि बोया का माइक से कैसे रिकॉर्डिंग हो रहा है और रोड का माइक से कैसे रिकॉर्ड हो रहा है। दोनों पे ही कई डिफरेंस नहीं है, पर बोया का माइक से मैं रोड का माइक को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि आप जानते ही हो इसमें रोब वगैरह नहीं लगता, बैटरी भी नहीं लगता, बहुत ही सेफ तरीके का माइक है। आप DSLR के साथ बिल्कुल यूज़ कर पाओगे। पर इसका जो रिव्यू के तौर पर मैं बताना चाहूँगा, ये मोबाइल के साथ कंपेटेबल नहीं है जो रोड का माइक है, और बोया का माइक मोबाइल और कैमरे दोनों के ही साथ कंपेटेबल है और इजीली लैपटॉप या PC पे ही आ जाता है। पर आप रोड का माइक अगर करना चाहोगे लैपटॉप के लिए यूज़, तो आपको करना पड़ेगा कुछ ऐसा ट्रीपॉड का जुगाड़, जो कि छोटा ट्रीपॉड होता है मोबाइल को माउंट करने के लिए, उसको यूज़ करना पड़ेगा। और आपको एक केबल चाहिए, लॉन्ग केबल, जो कन्वर्टर हो, जो आपको एक्सटेंड कर दे दूर जो डिस्टेंस है कंप्यूटर के ऑडियो पोर्ट से आपका जो रोड का माइक का पोर्ट है 3.5 mm जैक का उस तक। तो ये अगर कर सकते हो तो ज़रूर इसे यूज़ करो। पर मैं रेफ़र करूँगा कि आप अगर PC में इंस्टॉल करते हो कोई भी जैक, तो इससे रिस्क मत लो, आप बोया का माइक खरीदो। तो बोया का माइक वैसे ही अच्छा रिकॉर्ड कर रहा है, ये रिकॉर्डिंग भी बोया का जो M1 माइक है उसी से ही हो रहा है, और जो रोड का माइक है बहुत ही अच्छा क्वालिटी देता है, क्योंकि उसमें कोई अलग सा पोर्ट नहीं होता और मुंह के हम जो बात करते हैं तो हमारे बातों का जो मुंह के सामने भी नहीं रहता है, थोड़ा दूर पर रहता है, तो उसी के हिसाब से बहुत ही अच्छा रिकॉर्डिंग कर लेता है। पर ये बोया का माइक ऐसा नहीं कर सकता, मैं जब भी ये दूर करता हूँ तो ये वैसे ही रिकॉर्ड को कम कर देता है। रिकॉर्डिंग का नॉइज़ देखा कैसे बढ़ गया है और साउंड भी आ रहा है, दूसरा वाला साउंड, अगर साइड में कोई साउंड हो तो ऐसे करके वो भी रिकॉर्ड कर लेगा। पर ये रोड का माइक मैं प्रेफर करता हूँ किसके लिए, क्योंकि ये पीछे वाला बैकग्राउंड नॉइज़ जो है नॉइज़ के हिसाब से आता है, वो कभी नहीं रिकॉर्ड करता। तो आपको होप अच्छा लग चुका है इस वीडियो को और पूरी तरह से जान चुके हो कि कैसा दिखता है, किस तरह से माउंट होता है और किस तरीके से कैमरे से अटैच करके यूज़ किया जाता है। तो बहुत आसान चीज़ है, आप अगर ख़रीदना चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया गया है जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। और प्लीज़ इस तरह का बहुत सारे अनबॉक्सिंग या फिर रिव्यू देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, एक्सटेंडिकल को, और बेल आइकन को दबाओ, क्योंकि कई सारा लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा जब तभी आपका नोटिफिकेशन चल जाएगा और पहले पहले ही आप
देख सकते हो लेटेस्ट टेक्निकल न्यूज़ को, न्यूज़ या अनबॉक्सिंग बहुत सारे टेक्निकल टॉपिक के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड जय हिंद।